व्हाट्स अप पीपल, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग बना रहा हूँ मैं, लाइक मेरा आज लास्ट डे है कॉलेज का, सो उसी के ऊपर बना रहा हूँ मैं ये व्लॉग। एंड अभी मैं कॉलेज ही जा रहा था पर बारिश गिर रहा है, थोड़ा वेदर ख़राब है आज का, सो लेट्स सी क्या होता है। सो लास्ट डे है तो कॉलेज के सारे फ्रेंड्स के साथ मतलब ये व्लॉग बनाऊँगा मैं, उनसे थोड़ा बात बात करूँगा, एस मेमोरीज रहेगा ये एक तरफ से। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। एंड सो हम पहुंच गए हैं कॉलेज अभी, लाइक यू कैन सी अभी बाकियों को ढूंढने चलते हैं, चलो लेट्स सी। वाह, हाँ मैंने कल बोला था, तुम सब भूल गए शायद। चलो हाय बोलो, हाय। तुम लोग यहाँ बैठे हो, ओए मास्क खोल, अपना फेस दिखा, इतना सुंदर सुंदर फेस, तुम भी दिखाओ। नहीं मेरा फेस देख चुका है और नहीं। तुम लोग मुझे मिस करोगे? आवाज लोग नहीं देगा? नहीं, एकदम मिक्स नहीं करेगा। मिक्स नहीं करेगा? मिक्स मुझे मिक्स करोगे? मिक्स और मिक्स दोनों नहीं करेगा। क्यों नहीं करोगे? हाँ क्यों नहीं करेगा? कौन है, व्हाट्सएप करने का रीजन? इसका तो छोड़ ही दो, तुम तो वैसे भी मुझे भूल ही जाती हो, मैसेज करने से रिप्लाई देते हो, दो दिन बाद रिप्लाई करती हो। सेम टू यू। हां सेम टू यू, मैं तभी रिप्लाई देता हूं और मैं देख। तो अब मेरे साथ है श्वेता जिसने मुझे पहले दिन में थप्पड़ मार दिया था, बहुत ही ज्यादा मेमोरी। लास्ट दिन में भी मारोगी? हाँ। नहीं मारूंगी। ये मतलब सबसे यूनिक मेमोरी है इसके साथ ही है, जो कि पहले दिन आते ही एक थप्पड़, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही खड़ा था और पीछे से आके एक थप्पड़ मारी और चली गई। अभी मैं वैसे करती हूँ। हाँ, इसका बुरी आदत। चलो ये जा रही है अभी, हाँ कब से बोल रहे बाय बाय पर जा नहीं रही है, जाओ भागो, जाओ। सो अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन से जो मेरे लिए काफी स्पेशल है, बट तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने दिया मुझे धोखा, उस पॉल के साथ चले गए। मैं किसी के साथ नहीं गया, तुम चली गई। एक बार पूछा तक नहीं मेरे दिल में क्या है तुम्हारा। और कुछ बोलना चाहते हो, मुझे मिस करोगी? बहुत मिस करूंगा। आई विल मिस यू, आई लव यू मोर इवन एवरीथिंग। शादी में तो बुलाओगी नहीं, पता है? क्यों नहीं बुलाऊंगी, बुलाऊंगी तो बुलाऊंगी। बुलाओगी? ये एक प्रूफ रहा कि शादी में बुलाए, अगर नहीं बुलाया ना इसी के जरिए मैं चला जाऊंगा। नहीं बुलाऊंगी, बुलाऊंगी श्योर एकदम। मेरे साथ शादी नहीं करके किसी और के साथ कर रही हो? मेरा कोई पॉल वॉल कर नहीं है, समझी? आई एम सिंगल, प्योर सिंगल। दस दस तो गर्लफ्रेंड रखा है तो अपना, और बोले सिंगल लड़का, खुद गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है और मुझे बोल रहा है तू? हाँ बहन है तेरा, गर्लफ्रेंड को बहन बना दिया। देखो देखो, क्लास में काफी ज्यादा है, मतलब ज्यादा लड़का नहीं है, सो एक से तो मिल रहा हूँ, इसी से ज्यादा क्लोज हूँ मैं, बाकी से इतना ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। तो दिस इज प्रिंस सिंह। हाँ सिंह, तुझे काफी ज्यादा याद करूंगा क्योंकि हमारे जितने भी प्लान्स होते हैं सब यही बनाता है आउटिंग का, तो इसलिए अभी ये कोई नहीं रहेगा तो कौन बनाएगा प्लान्स, पर अगर मैं गुवाहाटी में रहा तो जरूर घूमने जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, लाइक खत्म हो चुका है कॉलेज तो थोड़ा घूम घूम के आते हैं, है ना मनीषा? बोल। है मेरा बहुत टेंशन है, आप क्या समझेंगे गाइस? क्यों, किसको लेके? उसको स्टैन होने का टेंशन है, स्टैन का बोल रहा है। उसको स्कूटी चाहिए। उसको एक नहीं बोलता, दो गवर्नमेंट स्कूटी देगा तभी हम लेगा, एक से कम। ये सब झूठ है, ये मेरा दूसरा क्या बोलता है, झूठ झूठ थापा मार रहे हैं मेरे में।
अभी हम आए हैं सिटी सेंटर, लाइक एक तरफ से बोलने जाए तो सिटी सेंटर हमारा ससुराल है, ससुराल। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा कॉलेज से यहीं पर आते हैं, हमेशा। और स्टार्टिंग में भी पहला दिन भी हम यहीं आए थे। मनीषा जीत ले, जोर से बोल, जोर से। बहुत अच्छा लक है तेरा। ये इसको देख, ये चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, ये चीटिंग है। तो आप बोलिए इसका दाम कितना हो सकता है? इसका दाम 1000 समथिंग। यू आर रॉन्ग। कितना है इसका प्राइस? तुम बोलो इसका दाम कितना है। इसका दाम 500 to 600। आर यू श्योर? यस। 2000, कैन यू इमेजिन? 2000 में इमेजिन भी नहीं किया था इतना होगा शायद। ले ले, पालतू बना लेना अपना, इसको ले ले अपने घर जाके पालतू बना देना। मैंने ऐसे दो हेड अप करके पहले ही घर में इतना बड़ा भी हो गया, वो भी रास्ते से उठा के। रास्ते से उठा, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2000 और ये भी नकली है, उठाएगा। मेरा आज कॉलेज का लास्ट डे के साथ साथ गॉटिक में भी लास्ट डे है, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ बैक टू माई होम। सो इसलिए आज ही लास्ट है, घूम लेता हूँ जितना चाहे, उसके बाद पता नहीं फिर कब आऊँगा या नहीं भी आ सकता हूँ मैं, हमेशा के लिए शिफ्ट भी हो सकता हूँ मैं अपने वहीं पर होम टाउन। तू मुझे मिस नहीं करेगी? नहीं करूँगी, क्यों करना, हम घर बैठेंगे घूमेंगे। टू बी ऑनेस्ट, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड और तेरा वरुण धवन। और ऊपर से मतलब हम, ये मेरे लिए इतना लकी है ना कि एग्जाम में जो जो ये भी ये बोलती है, जैसे हॉल में आते हैं हम लोग एग्जाम देने, तभी ये जो जो मुझे बोलती है वही आता है। ऐसा इसका लक मेरे हाथ में। ऐसा होता था कि पहला कुछ नहीं हुआ आ जाता था, ऐसा भी हुआ मेरे साथ। तो ये मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत स्पेशल भी है, मैं तुझे बहुत मिस करूँगा। फिर हम लोग घंटों करूँगी, हम भी तुमको थोड़ा थोड़ा मिस कर देंगे। घंटों हम लोग एग्जाम डिस्कशन करते थे फोन करके, पूरा एक घंटा डेढ़ घंटा सिर्फ फोन पे बात करते। ये इंसान मेरे को डिस्टर्ब करता था, मुझे पूछना होता था ना, अभी मुझे कौन ऐसा करके समझाएगा कॉल पे, कौन बताएगा। चलो चलो, तुम्हारा मतलब फ्यूचर भी मेरा ही हाथ में, चलो मिलते रहना। अगर मैं गुवाहाटी आया तो मिलेंगे, घूमेंगे, गाएंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ये बहुत अच्छा गाना गाती है, सो एक एग्जांपल दे दे सबको। गाना है? हाँ गाना है। तू पहले पॉज करना, सोचना पड़ेगा ना। निगाहों में देखो मेरी जो हर बस गया, जो है मिलता तुमसे हूबहू, जाने तेरी आंखें। हो गया हो गया हो गया, इतना डेमो काफी है। नहीं, इतना मेरा ब्लॉग भर जाएगा, मैंने ऐसे ही गाया क्योंकि ये बोला था। मेरा ब्लॉग भर जाएगा। डोंट जज माय वॉइस प्लीज। कमेंट करना इसका वॉइस कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा नहीं लगा, यही बोलना। ये कमेंट चेक करेगी जरूर। वो तो करूंगी क्योंकि मैं भी आ रही हूँ ब्लॉग में, व्हाई नॉट। अभी हम लोग निकल गए हैं सिटी सेंटर से, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह, वो है गोविंदम। सो ऐसे ही मतलब खाना वाना खाने या फिर कुछ भी घूम लेते हैं, क्या करेंगे घर जाके भी इतना जल्दी, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा जल्दी ना जाके मतलब कहीं घूमने चले जाते हैं, तो इसलिए हम लोग हर जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया है, और जिसके चलते हम लोग गोविंदम नहीं जा रहे हैं, बिस्कुट ढाबा जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि सब लोगों को भूख लगा है। एंड गोविंदम में, हाँ, और गोविंदम में ऐसा कुछ है नहीं मतलब खाने लायक, चाय वाय सबके लिए मतलब फेमस है वो जगह, तो इसलिए इसको बहुत भूख लगा है। मेरे को नहीं, सबको। वही तो, इसलिए हम लोग अभी बिस्कुट ढाबा जा रहे हैं खाना खाने, लंच करने। नहीं आया
बहुत भूख लगा। डिसाइड किया क्या खाएगा? मैं क्या बोल यही तो प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई नहीं है। कैसे खाती है वेज? कैसे नॉन वेज खाते हैं? जो मैं जानता हूँ वेज खाने का वो नहीं बता सकते। ये नहीं कि हम लोग मार रहे हैं, ये जो खाली फैसले मेरे फैमिली सब खाता है एक्सेप्ट। बहुत ही राज है हर बात के पीछे। मैं हर नहीं राज और मैं उसका चाबी सबके सामने जाके खोल सकता हूँ पर नहीं खोलता। कंप्लीट हो गया पूरा घूमना फिरना एंड इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड हम यही कर रहे हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा।